इंस्टाग्राम म्यूजिक का नाम स्टार्ट। ये बहुत अल्टीमेट इसको ले लेते हैं सर। ये जो विंचेन वाली है ये आपका पसंद है? पूरा कूल सबका कुछ लिखते रहे जिसे आप, मैं देख रहा हूँ इसको, इसका जो पिच है थोड़ा सा हाई है। हाँ। मैं ढूंढ रहा हूँ इसको लो पिच। अच्छा, और इसको क्या एफ टोन बोलते होंगे ना? एफ। हाँ, एफ है। हाँ। एफ में थोड़ा सा ऊपर है। ये वो क्रिस्टन दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफाइल टाइम्स में हूँ संजय राजकिशोर। आज मेरा एक सौभाग्य कहेंगे कि किसी पर्सनालिटी, किसी कलाकार का अगर इंटरव्यू लेना होता है या बात करना होता है तो हम मुंबई की तरफ जाते हैं। और ये मेरा भाग्य ही है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो दिल्ली में हैं और उन्होंने हमें चांस दिया मिलने का, बखूबी मतलब टाइम दे दिया कि आप आइए, बात किया जाएगा इत्मीनान से। और वो मेहमान हैं आदिल हुसैन साहब। स्वागत है आदिल हुसैन साहब। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। और एक प्रॉमिस किया था आपने कि हम लोग मिलेंगे और आराम से बात करेंगे, वो यही समय है सर। तो सर, मैंने आपको पहले भी सुना था कई सारे इंटरव्यू में और पता चला बचपन में आपको लोग ऋतु बोलते थे जी, तो वो क्या कैसे सर, वो आपका निकनेम या क्या है? जैसे मेरे ख्याल से काफ़ी भारतीय सभ्यता में ये एक परंपरा रही है कि दो नाम होते हैं घर पे बुलाने के लिए और एक ऑफिशियल नाम जी। और हमारे वहाँ पर असम में या आई थिंक काफी जगहों में ऐसा है। ऑफिशियल नेम। सो पिताजी, माँ और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे उस नाम से बुलाते हैं, जैसे ऋतु। और ऋतु का मतलब सीजन है। एग्जैक्टली। और मेरा ऑफिशियल नाम है आदिल हुसैन। तो अभी बहुत लोग, कम लोग बचा है अभी, पिताजी गुजर गए, माँ बुलाती है और मेरे ऊपर चार भाई हैं तो वो लोग मुझे बुलाते हैं ऋतु। और कल ही या परसों मुझे एक, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एक लॉयर है, उन्होंने एक टेक्स्ट भेजा कि कैसे ऋतु कैसे। ओके। बहुत दिन बाद मुझे, यू हैव सीन लाइक, आई सीन दैट, यस, सीन दैट मैसेज, हु इज फ्रॉम माय, हु, जिनके मतलब अंकल वो मेरे पड़ोसी है मतलब असम में, तो उनको पता है मेरा। तो आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं बुलाता होगा उस नाम? बिल्कुल नहीं। आपके जितने वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं? जी 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 जी, चट्टी-बट्टी टाइप के लोग बस वही बुलाते जी, हैं जी। अच्छी बात है। सर, पेरेंट्स की बात मैंने कई जगह सुना कि आप पिताजी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, तो मैं बहुत क्यूरियस था जानने के लिए पिताजी के बारे में पहले कि आपके पिताजी ने ही बोला कि ये सब कहाँ बॉलीवुड और ये नाट्य रूपांतरण ये सब करना या इस तरीके से इस इंडस्ट्री में जाना, आपको तो एक लेक्चरर और प्रोफेसर के रूप में वो देखना चाह रहे थे, थोड़ा पहले पिताजी के बारे में बताइए सर। मेरे पिताजी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्कॉलर आदमी थे, वो 5-6 भाषा में बात कर सकते थे। अंग्रेजी बहुत उनकी अच्छी थी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक, उर्दू, अरबिक, पर्शियन और बंगाली एंड एसमीज। तो इसके वजह से, और वो टॉपर थे स्कूल यूनिवर्सिटी में और टीचर भी थे, तो इस वजह से उनकी जो डेली जो रूटीन है, आम जिंदगी का जो मतलब रूटीन है, वो लाइब्रेरी में जाना 2 बजे और शाम को 6 बजे वापस आना घर। स्कूल का काम जब रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर वही सुबह घर पे रह के खाना खा के हल्का सा एक 20 मिनट का जो है सीएस्टा लगा करके, अच्छा ओके, उसके बाद 2 बजे वो निकल जाएंगे
और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हमारे घर से पैदल जाने से 6 मिनट का रास्ता है, और वहाँ बैठ के जो है किताबें पढ़ते थे, और वो बहुत मशहूर थे उस वजह से कि हर एक दिन लाइब्रेरी में शनिवार के अलावा, नो मंडे को लाइब्रेरी बंद रहता था, अच्छा, तो मंडे के अलावा जो है हर एक दिन वो किसी 2 से 7 बजे तक वो जो है वहाँ रहे, किसी को मिलना होगा लाइब्रेरी में वहाँ जाते थे, और खाना खाते थे 7 बजे, आते ही खाना खा लिए, और रात को 9 से 10:30 बजे तक वो पैदल चलते थे तो हमारे घर के सामने बरामदा में, और बहुत जिसको कहते हैं कि मैन ऑफ आयरन इंटेग्रिटी, मतलब किसी भी किस्म के करप्शन से इतना नफरत ज्यादा ही थे, मतलब नफरत इतना नफरत थे कि मुझे मैंने खुद देखा कि 2 आदमियों को एक बार घर से भगाने, वो एक लकड़ी लेके घर से भगाने के मतलब he was driving away two human beings because they came with fish without even knowing, they didn't even, my dad even didn't ask why did you bring fish, he imagined that the fish is meant to bribe him. But it turned out to be true. Later बाद में पता चला, किसी ने पता किया मेरे भाइयों में से किसी ने, कि वो चाह रहे थे कि उनके कुछ मतलब स्टूडेंट्स हैं जी, तो उनको मतलब फेल ना कराए, उसके लिए वो मछली लेके आए थे घर पे देने के लिए, तो पिताजी को मतलब वो स्मेल मिल जाता है ब्राइबरी के, तो उस किस्म के वसूल के साथ हम बड़े हुए हैं, तो इस वजह से जैसे अभी भी हमारे घर पे मेरे मतलब मेरे 5 ऊपर 5 भाई हैं, अच्छा, कम से कम मेरे मेरे मैं सबसे छोटा हूँ, सो माय एल्डर 5 ब्रदर्स, आई कांट टॉक अबाउट माय एल्डेस्ट ब्रदर, ही इज इन अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर, आई डोंट हैव एनी कमेंट्स, बट रेस्ट ऑफ माय ब्रदर्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्रिंसिपल्ड. जैसे नोटबंदी हुआ, ठीक है ना, तो हमारे इंडस्ट्री में पहले हम कभी कभार पूछा जाता है कि आप कैश कितना लेंगे और बैंक चेक का कितना, तो आज तक मैंने 1 पैसा भी कैश नहीं लिया, तो जब इंडस्ट्री के जब नोटबंदी हुआ तो मैं चेन्नई में था और मैंने बीबी को फोन किया कि कैश कितने पैसे हैं घर पे, तो उन्होंने कहा कि 3,500 रुपये, मैंने कहा कि अच्छा, देन मेरी बीवी ने मुझे पूछा कि आपके पास कितने पैसे, मैंने कहा 2,500 रुपये, तो ये बेनिफिट्स जो है ना जी, वो ऑनेस्टी के बेनिफिट्स है कि आप परेशान नहीं होते बेकार, नींद जो है आपको आराम से घर पे नींद आता है, और टैक्सेस पे करने के लिए कल ही मैंने झगड़ा किया अपने सीए से कि ये अभी तक क्यों आपने क्लियर नहीं किया, क्योंकि ये बचपन का आदत है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्रेडिट लेता हूँ कि देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, मैं सो नहीं पाऊंगा, ये पिताजी ने मुझे मतलब इंजेक्शन के जरिए अंदर घुसा दिया है, ये तब से है, आप कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। तो आप फैमिली में सबसे यंगर हो, मैं सबसे छोटा, नहीं हम पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वैसे थे, और 2003 में वो गुजर गए 93 के एज में, ही वाज 93 इयर्स ओल्ड, अपना फुल जिंदगी जिया, और उनका एक ही मकसद था कि बच्चों को एजुकेशन दे, एक पैसा छोड़ के नहीं गया, और छोड़ के नहीं गया मतलब ये नहीं कि जानबूझ मतलब सबके लिए बना के जाना, हाँ ये सब नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैंने तुमको तुम लोगों को एजुकेट किया है, एंड नाउ इट्स योर जॉब टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, दैट वाज द सेविंग फॉर, एग्जैक्टली, सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ सेविंग मनी, और नॉट दैट ही कुड अफोर्ड टू सेव मनी, ऐसा भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, टीचर्स थे, टीचर थे, पढ़ाने के लिए बहुत पैसा जाता है, और एक बात अच्छी बात है कि मुझे पढ़ाने के लिए उतना पैसा उनको खर्च नहीं करना पड़ा, इस वजह से क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज में लोकल कॉलेज में कितना खर्चा होता है आपको पता ही है, और उसके बाद एनएसडी में पढ़ने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिला, और फिर लंदन पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप मिला, तो एक पैसा भी उनको खर्च नहीं करना पड़ा। तो आपका जो मतलब कब कितने पीरियड तक थे आप वहाँ पे आसाम में? आसाम में मैं 1990 तक था,
और 1990 में मई महीने में एनएसडी एनएसडी में मुझे सिलेक्शन मिल गया और तब से मैं असम से बाहर हूँ, ऐसा नहीं कि दिल्ली में हूँ सिर्फ, हाँ असम से बाहर हूँ, इंडिया में उस समय से 90 से लेकर के अभी तक अगर हम सब मिल करके देखें, मैं ये नहीं कर शॉर्ट विजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश में जो लॉन्ग विजिट से उसको मिला करके देखे तो 3.5 से 4 साल मैं विदेश में रहा और साउथ इंडिया में रहा, केरला पांडिचेरी कर्नाटक मिला करके और 5 साल और बाकी जो समय है मैं दिल्ली में। तो आपका मतलब एनएसडी वाज गेट जो कि इस इंडस्ट्री में लाया ना जी, मतलब जी बिल्कुल उसमें आप आए और तब से आप दिल्ली में हैं। उसके बाद आपने कुछ एसमीज मूवी या मैंने किया किया है ना आपने जी, कब आपका बॉलीवुड में एंटर हुआ? तो मैं एनएसडी से ग्रेजुएशन लिया 93 में, 93 के बाद जो एक बहुत ही मतलब जोश था कि नहीं अभी मुंबई जाके हीरो बनना है मुझे, वो जो एक दौर था वो एनएसडी आने के 6 महीने बाद ही खत्म हो गया, क्योंकि थिएटर से इतना लगाव हुआ और प्यार हुआ। थिएटर के जो टीचर्स थे मेरे, अर्जुन रायना, उसके बाद रॉबिन दास, खालिद तैयब जी, पैरी जॉन, माया राव, उसके बाद अनामिका हक सर, निभा जोशी मैम, अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन मैम, और विदेश से आते थे पढ़ाने के लिए, लंदन से आते थे सू वेस्टन, जर्मनी से आए थे मिस्टर महरिंग, उसके बाद इटली के आए थे पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद जो थिएटर का जो एक लत लगता है ना, एक नशा, और उससे पहले एनएसडी आने से पहले मैं असम में काफी फिल्में, टेलीविजन, वीडियो फिल्म, रेडियो, रेडियो प्लेस, स्ट्रीट प्लेस, स्टेज प्लेस, सब कुछ करके आ चुका। तो ये सब ये 90s की बात, 90 तक, अच्छा 85 से लेकर के 6 साल में, 84 के एंड से लेकर के 1990 के मई तक मैंने ये सब कुछ किया, स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर के सब कुछ। यस, मैं इस मेरा अगला सवाल यही था, हाँ, कि आप 5-6 साल तक स्टैंड अप कॉमेडी भी मैंने किया, फिल्में भी किए, स्टैंड अप कॉमेडी, स्ट्रीट प्लेस, रेडियो प्लेस, वीडियो फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, टेलीफिल्म, टेलीविजन सीरीज, सब कुछ किया है। तो उसके बाद जो उस करने के बाद मुझे लगा कि एक्टिंग मुझे सीखना पड़ेगा और फिल्मों में हीरो बनना है, ये जो एक मतलब चाहत, मतलब गहरी जी, जिसको कहते हैं गहरी चाहत, डीप डिजायर, एक तो उफान मचना था, मुझे डीप डिजायर मतलब जाके वहां करना है मुझे। और जब एनएसडी आने के बाद जब मुझे ट्रेनिंग मिला तो लगा कि अरे ये मतलब जिस किस्म के थिएटर मैंने पहले किया असम में रहते हुए और ये जो थिएटर के ट्रेनिंग है उसमें रात दिन का फर्क है। अपने को थिएटर में जोड़ने का जो इंटेंसिटी है वो मतलब 1000 गुना ज्यादा है, और फिल्मों में काम करते समय जो एक्टिंग करने का जो मजा और थिएटर में काम करते समय यहाँ आके एनएसडी आके उसका जो काम करने का मजा उसमें कोई तुलना ही नहीं है, मतलब रात दिन का फर्क भी कम है। अच्छा एक चीज बताएं सर, जैसे एनएसडी में आप आए, आपका इंटरेस्ट जगा और आपने उसी मोमेंट पे आपके अंदर आने लगा मुझे कुछ तो करना है, मुझे थिएटर करना है, थिएटर ही करना है, थिएटर ही करना है। अगर वो मोमेंट ना आता तो क्या आदिल साहब एक डॉक्टर होते या प्रोफेसर होते या जर्नलिस्ट होते? एनएसडी वो जो थिएटर ही करना है ये जो मैंने तय कर लिया वो 14 साल की उम्र में ही कर लिया था। अच्छा वो चीज आपके, हाँ क्योंकि मैंने थिएटर करना शुरू किया 8 साल की उम्र में। ओके। उसके बाद हर साल करता रहा, हर साल फिर एक बार, हर साल फिर दो बार, फिर तीन बार, चार बार, करते करते जब मैं 14-15 साल का हो गया तभी लगा कि ये जो करना है यही करना है, एक्टिंग करना है। तो अमूमन सर ये होता है कि जब लोग किसी को देखते हैं टीवी पे, पर्दे पे या थिएटर जाके,
कोई शो देखते हैं तो उनका एक रोल मॉडल हो जाता है कि मुझे इनकी तरह करना जी। आपका रोल मॉडल बचपन में बच्चन साहब थे, ओके, धर्मेंद्र साहब थे जी, राजकुमार साहब थे, वो दिलीप कुमार, हाँ दिलीप कुमार जी थे, वो सब बचपन में था। तो उसके बाद फिर मैंने हॉलीवुड एक फिल्म देखा 1983 में, तो वहां फिर थोड़ा सा चेंज है और ये किस किसी का एक्टिंग है। डस्टिन हॉफमैन को देखा तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर हुआ, हाँ उसके बाद फिर मैंने ओम जी को देखा, नसीर भाई को देखा अर्जन सत्य में, तो मैंने कहा अरे ये तो अलग किस्म का एक्टिंग है, बहुत रियलिस्टिक है, तो उस किस्म के एक्टिंग करने का बहुत दिल था। तो बॉम्बे जाने का जो मेरी चाहत थी वो बच्चन साहब जैसा बनना नहीं था मुझे। जब अर्धा सत्य और ये डस्टिन हॉफमैन स्टीव मैकक्वीन का एक फिल्म है पेपिलॉन, और पेपियों कहते हैं उसको, वो देखने के बाद मुझे उस किस्म के जो फिल्में बनने लगे, अर्धा सत्य जैसा, पार्टी जैसा, उसके बाद पार जैसा फिल्में, उस किस्म के फिल्मों में मुझे जाना था, लेकिन वो भी छूट गया और थिएटर में ज्यादा मजा आने लगा मुझे, बहुत बहुत ज्यादा, इसलिए मैं गया ही नहीं बॉम्बे, अभी तक नहीं गया। हाँ ये है, मतलब बहुत बड़ा इनफैक्ट पब्लिक में भी रहता है कि आदर साहब प्रेफर दिल्ली ओनली जी, मुंबई का जो लोगों का एक आपके इंडस्ट्री में खासतौर जो उनका क्रेज रहता है कि हमें मुंबई के सब नगरी में रहना है, बट वो चीज आपने कभी प्रेफरेंस नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट मैंने तो ये यहाँ तक देखा है कि जिस भी डायरेक्टर को आपको कास्ट करना होता है वो दिल्ली आते हैं, आपको डिस्कस करते हैं जी कि ये है स्क्रिप्ट, ये है, इसमें आप आ रहे हो, आपका कंसेंट के बाद। आजकल तो आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आजकल तो ये जूम है, वीडियो कॉल है, कोई जरूरत नहीं पड़ती अब जी। ऑलराइट सर, बहुत अच्छा। तो अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो इन लोगों को देख के आपका एक इंस्पिरेशन रहा? और बिल्कुल, नसीर भाई को, ओम जी को, खास करके पंकज कपूर, और सो इन लोगों को, ये लोग जो है हमारे जैसे एक्टर, हमारे जैसे, जब मैं कह रहा हूँ ये मीन कर रहा हूँ मैं, मेरा मतलब ये है कि जो एक्टर हीरो बनने का शौक नहीं है उनको, प्रोटैगनिस्ट बनना है, मेन रोल करना है, लेकिन हीरो नहीं बनना है, मतलब सबको हरा के वो उसको जीतना, इस किस्म के जो हीरो है, जो क्रिटिकल हीरो है, जो आपके अच्छे लिटरेचर में जो मिलते हैं, जैसे मोहन राकेश के नाटक में मिलेंगे, नाटक के मोहन राकेश के नाटकों में मिलेंगे, या कालिदास के नाटकों में मिलेंगे, या फिर गिरीश कर्नाड के नाटकों में, या फिर विजय तेंदुलकर जो लिखते हैं, जो लिटरेचर के जो हीरो है, जिसमें फ्लॉज भी है, जो ह्यूमन है, ना कि सुपर हीरो है, तो उस किसी के हीरो के प्रति मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है, समझ रहे हो? इस वजह से मैं बॉम्बे नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कालिदास पढ़ा था, मैंने पढ़ा चेखव, पढ़ा वर्ल्ड लिटरेचर, पढ़ा ड्रामेटिक लिटरेचर, पढ़ा वर्ल्ड के ड्रामेटिक लिटरेचर एनएसडी में पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब बॉलीवुड से आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो लगता है कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो इस वजह से एक ढर्रा, एक जी तरीके का कुछ नहीं कर रहा। आप 90 का मूवी तो आपको पता ही है किस किस्म, अभी तो फिर भी थोड़ा सा ढंग का फिल्म है, तो इस वजह से बॉम्बे जाने का कोई, तो बॉम्बे के, आपने एक सवाल पूछा था बीच में कि मेरी पहली फिल्म है इश्क किया, वो फिल्म भी मतलब ऐसे हुआ, वो शायद मैं काफी बार बता चुका हूँ पौधे को, तो शॉर्ट करके कि मेरा एक दोस्त है जिनके साथ मैंने एक टीवी सीरियल किया था जासूस विजयपुर के, दूरदर्शन के लिए मैंने किया था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, जासूस विजय का रोल मैंने किया था, बीबीसी वर्ल्ड ट्रस्ट सर्विस का वो प्रोडक्शन था, बीबीसी और दूरदर्शन मिलके वो प्रोड्यूस किया था, एड्स के बारे में लोगों को बताने, तो वो डिटेक्टिव सीरियल के जरिए एड्स के बारे में लोगों को सजाग करने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो वो करते समय एक मेरे को एक्टर थे मिस्टर जोगी मलाम, तो वो बॉम्बे चले गए, ये मैंने 2001 में किया, 2008 में वो जोगी साहब ने मुझे फोन किया कि ऐसा एक फिल्म है, आपके लायक है, आपके लायक मतलब
बातचीत बहुत हमने की है उस समय सीरियल करते समय, बहुत दिन बिताए एक साथ, तुमको पता है कि मैं किस लिए बॉम्बे नहीं गया। तो क्या आपको अच्छा लगेगा आप ये एक ऑडिशन कर दीजिए। मैंने कहा ऑडिशन करने का मतलब किस में करूँ ना, वो कैमरा है उस समय, हम 2008 के बाद कर रहा हूँ कि नहीं कोई भी एक मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने भेज दिया एक कैमरा मैन, एक ऐसा कैमरा भेज दिया एक जगह। हाँ तो मैंने अपने बीबी को बोला कि आप वो दूसरा वाला रूल कर दो। सर मैन का क्या नाम है बताइए ना? क्रिस्टन जैन। क्रिस्टन के आर आई एस टी एन क्रिस्टन जैन। ओके उनका सरनेम जैन। अच्छा राइट। तो क्रिस्टन को मैंने बताया कि आप दूसरा रूल कर दो। तो सुबह आके वो बेचारे ने वो सीन कर दिया, मैंने कर दिया शूट करके भेज दिया। मैंने कहा चलो बात बन गई, बात हो खत्म हो गई। नहीं उसके बाद फिर अभिषेक चौबे जो है डायरेक्टर साहब, उन्होंने फोन किया एक हफ्ते बाद या दो दिन बाद, मैंने बोल दिया अभी कि आपको मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप बॉम्बे कब आ सकते हो? मैंने कहा मैं आ नहीं सकता हूँ अभी, और आ भी अगर सकता हूँ अगर आप मुझे पैसे दें ट्रेन का किराया दें तो मैं शनि या रविवार को, क्योंकि मैं नजदीक में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कल मिलना है। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकता हूँ सॉरी। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, आइए तो मैं लंच ब्रेक में मैं खाली हूँ तब आ जाइए। तो आके मेरे लिए इंतजार की और मैं उनसे मिला, बात किया, अच्छा लगा बात करके। उसके बाद कहा कि ठीक है करते हैं। तो बस इस तरीके से आपका मुंबई जाना हुआ। मुंबई में, मुंबई तो गया नहीं मैं वो फिल्म। हाँ मैंने एक शर्त दिया था। अच्छा। कि मुझे रिहर्सल चाहिए। ओके। क्योंकि मैंने फिल्म में उन्हें बहुत सारा काम नहीं किया तो मुझे रिहर्सल चाहिए, एक मतलब कैमरा के साथ एक रिहर्सल चाहिए, लेकिन शूटिंग शुरू होने से बहुत पहले, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस हालत में, क्योंकि बहुत साल स्टेज किया मैंने। तो उन्होंने हाँ कहा तो स्टेज वो मैं गया। फिर बॉम्बे उन्होंने पैसे दिए मतलब किराया दिया प्लेन फेयर का, तो मैं वहाँ गया, जाके वहाँ फिर विद्या जी विद्या बालन के साथ रिहर्सल किया। Okay. और रिहर्सल में बहुत करके मुझे अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। विद्या जी बहुत मतलब बहुत अच्छी इंसान है, बिल्कुल और शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग वूमन एंड आई लव्ड अभिषेक चौबे, ही इज ए वंडरफुल जेंटलमैन। और बाकी जो उनके साथ मतलब कैमरामैन है और बाकी जो उनके असिस्टेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा था। तो मैंने वो फिल्म किया, वो फिल्म चल गई और लोगों को पसंद आया, उनको भी लगा कि बंदा है कौन। तो उसी मोमेंट पे उस मूवी से आई थिंक आपको एक रिकॉग्निशन मिला था। जी जी कि आप भी बॉलीवुड में हो और बहुत ही जेन्युइन आपका जो जो अभिनय था, लोगों ने बहुत जेन्युइनली एक्सेप्ट किया। अदरवाइज होता है ना लोग आए गए और पता नहीं चल पाता इंडस्ट्री में। और रोल भी बहुत अच्छा था। Exactly. एक तो है कि आप अच्छा करते हो, लेकिन अगर वो रोल ठीक से लिखा नहीं गया होता, फिर उस रोल का इम्पोर्टेंस भी है उस फिल्म में। बहुत रोल हो सकता है ना, बिल्कुल। ये रोल मेरा क्या, 4-10 दिन का मेरा शूट था और उसमें से शायद सचमुच का जो शूट है वो 5 दिन का होगा। तो वो रोल मैं लकी भी हूँ कि एक अच्छा रोल लिखा गया है और वो रोल इम्पोर्टेंट रोल है उस फिल्म के कहानी के, बहुत इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा है। समझ रहे हो? मतलब तभी जाके वो पूरा वो उसी लोग, से हाँ, लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे। करेक्ट करेक्ट। और उसके सेंट्रिक और आपके सेंट्रिक और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। कि कोई भी, मेरा ये मानना है फिल्मों फिल्म के लिए एक्टर कितना भी अच्छा हो वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक राइटिंग और डायरेक्शन कैमरा और एडिटिंग आपका साथ ना दे। एक्टिंग आप मतलब फाड़ के रख दिया, लेकिन ये तीन चीजें अगर नहीं हो रही है तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो श्रेय है एक्टिंग का श्रेय अच्छा करने का, वो 70% मैं उनको देता हूँ, फिल्म बनाने वालों को। बिल्कुल हमेशा अगर एक्टिंग सचमुच एक्टर को लेना है श्रेय उसका, तो स्टेज पे। सही बात है, फिल्मों के लिए नहीं। एक और स्टोरी है आपके बारे में, आप इतने हम्बल हैं और मैं आपको मिला भी हूँ कई बार, जी लोग भी बोलते हैं आपके बारे में, पर्सनली मैं जानता हूँ आपको, जितना हमारा आपका मुलाकात हुआ है, जी बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आप वैसे लाइफ भी जीना चाहते हैं। मैंने आपकी वैगनार कार की स्टोरी सुनी थी किसी के मुंह से, वो क्या है बताइए ना थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। जी मुझे लगता है कि हर एक जना जो कला का अभ्यास करते हैं,
उनकी जिंदगी में ये एक जिसको कहते हैं ना कि खाना बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, जिंदगी का इंग्रेडिएंट एक कला अभ्यास करने करने वालों को एक विनम्रता का वो बड़ा इंग्रेडिएंट है। विनम्रता जो है वो बनावटी अगर हो तो लोगों को पता चल जाता है बिल्कुल तुरंत, अब वो लंबा नहीं रहेगा। हाँ वो रहेगा नहीं वो, हाँ हाँ कैसे यहाँ पर होगा, I'm not talking about that, yes yes yes, stupid nonsense, I'm talking about सचमुच की विनम्रता जो है कि आप अपने आप को कितना क्या समझते हो, कौन है आप, ये जो एक 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 जो ये मानसिकता है, माइंडसेट है, वो मुझे मिला मेरे टीचर्स से। तो सारा जो श्रेय उसका वो मेरे चार पांच जो टीचर थे, एक है खालिद तैयब जी साहब। खालिद तैयब जी साहब जो है वो उनके पिताजी नेहरू के जमाने में एम्बेसडर्स थे, एम्बेसडर बहुत कंट्रियों में थे, जिनकी बीवी जो है सुरैया तैयब जी हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच का जो चक्र है उनका आइडिया है वो नेशनल फ्लैग। तो उनकी माँ है वो मेरे टीचर के, और वो जो टीचर है मेरी तो वो साइकिल से आया करते थे मोतीबाग से एनएसडी में पढ़ाने के लिए। अरे वाह, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एक साल अपना नाम बदल के खालिद तैयब जी से नाम बदल के खोगेन दास बाउल नाम रख करके कलकत्ता के स्ट्रीट्स में बेक करते थे, भिक्षा करके बाउल प्रैक्टिस उनको समझने के लिए। तो वो जो आदमी है उनका जो ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, विनम्रता जिसको कहते हैं, वो बहुत प्रभावित किया मुझे। और उनके अलावा और भी टीचर हैं जिनका नाम मैं नहीं, मुझे मना किया गया है क्योंकि लेने के लिए वो नाम भी नहीं, वो नाम भी नहीं लेना चाहते, वो बोले कि मेरा नाम मत लो, बेकार परेशान करते हैं लोग मुझे। अच्छा आप आदिल हुसैन को पढ़ाए हो, वो रहना चाहते हैं चुपचाप एक आश्रम आश्रम में, तो उनका वो आश्रम में रहते हैं और आश्रम में रहते हैं और वो पजामा और कुर्ता पहन के आते हैं। तो एक बार मेरे साथ एक बहुत ही मतलब फेमस हीरोइन, हम उस शहर में थे तो मैंने उनके बारे में बता दिया था, मतलब मेरे टीचर है वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके टीचर से मिलना चाहता हूँ, तो साइकिल से आए वो। अच्छा तो उन्होंने मेरे वो नाम ये हीरोइन जो है उन्होंने देखा मेरे टीचर, तो ये जो एक तो वो ये सब मेरे टीचर हैं, तो उनके सामने तो मैं बहुत घमंडी हूँ उनके नजर में। नहीं नहीं उनके कोई अगर आप उनको देखे और मुझे देखे ना तो मुझे घमंडी देखेंगे आप, मुझे विनम्र कह रहे हैं कि आप डाउन टू अर्थ है, मैं नहीं हूँ, मैं फिर भी लग रहा है कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ। हम लोग तो करेक्ट उन लोगों से आप तुलना मूलक हिसाब से रिलेटिवली देख रहे हो ना, लेकिन उनके सामने मैं अपने नजर में ही घमंडी हूँ, आप तो छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। तो बहुत अभी बाकी है मुझे पहुंचना, जहाँ पहुंचना है। हम लोग तो जैसे आजकल के जो बॉलीवुड के पहुंचे हैं, मैं उस तरफ बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो कभी मेरे 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 वो रेडर में ही नहीं है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, पता है, हिंदी ठीक ठाक, बहुत मस्त है सर, ठीक ठाक नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते इतने शुद्ध हिंदी, और आपकी इंग्लिश तो है ही है अच्छी। यहाँ पे अगर अमिताभ बच्चन साहब से मैं कंपेयर करना चाहूंगा, उनकी हिंदी भी अच्छी है, अरे उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, जब वो बोलते हैं तो फिर वो यू नो वाली इंग्लिश नहीं बोलते, वो नहीं, 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 बोलते हैं बिल्कुल, और हिंदी भी बोलते हैं तो फिर उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी जो है, तो ऐसा ऐसा मतलब साउंड हो रहा है कि नहीं नहीं वो तो बहुत 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 ज्यादा बहुत बहुत अच्छा। मैं तो आसाम से हूँ और असम के लोग जो है हिंदी उच्चारण और उनके जो वोकैबुलरी है ना, शब्दावली चुना जो रच वो जो है बहुत कम उनकी चर्चा है ही नहीं हमारे वहाँ। वैगनर का जो स्टोरी है वो स्टोरी है कि बस गाड़ी खरीदने हैं, गाड़ी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचना है,
और उस वजह से गाड़ी की इन्वेंशन हुई थी exactly. कि आप यहाँ से वहां जाएंगे और थोड़े थोड़े जल्दी चलेंगे और कंफर्टेबली जाएंगे, सब लोग बैठ के चले जाएं, बस दो तीन चार लोग जी, बस गाड़ी तो उसके वजह से स्टेटस दिखाने के लिए है नहीं. तो एक जना मेरे दोस्त है, दोस्त नहीं मतलब जान पहचान के थे, नजदीकी रहते थे. तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो जाना चाहता है. मैंने कहा क्यों, मुझे पता था कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं इस बातचीत को वार्तालाप को. तो मैंने कहा कि हाँ क्यों, क्या परेशानी है. मैंने पूछा नहीं आप इतना बड़ा एक्टर है, ये उन्होंने कोई उससे गाड़ी का क्या संपर्क है, आप बैठोगे यहाँ से वहाँ जाओगे. हाँ तो जगह भी कम लेता है वगैरह, तेल भी कम उसको जलाते हैं, माइलेज भी अच्छी है और वातावरण भी इतना और क्या हम लोग, हाँ हमारी और छोटी गाड़ी है तो साइकिल भी, साइकिल वालों को भी जगह मिलता है, रिक्शा को भी जगह मिलता है. आप मैं कौन हूँ कि इतना बड़ा गाड़ी लेके मैं पूरा जगह, पैसा है मेरे पास इसलिए पूरा जगह पकड़ कर दखल करके मैं जाऊँ. तो हाँ ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है. लेकिन सर स्टेटस की भी तो बात है ना. अच्छा उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा मानते हो कि मेरा स्टेटस है. हाँ सर बिल्कुल. तो फिर मैं साइकिल भी चला, तो BMW या मर्सिडीज को मैं क्यों डिसाइड करने दूं कि मेरा स्टेटस क्या है. yes. उनको ये अधिकार मैं कैसे दे दूं, बताओ. सही बात, मैं डिसाइड करूंगा वो कि मेरा स्टेटस क्या है. बिल्कुल. आप मान रहे हो ऑलरेडी कि मेरा स्टेटस है वैगनर चलाने के बावजूद. मान रहे हो? हाँ सर. तो फिर साइकिल चला लूं मैं, तो मैं मेरे पास साइकिल भी है, तो मैं साइकिल लेके जाता हूँ कभी शॉपिंग के लिए चित्रंजन पार्क. ओह माय गॉड. तो फिर उन्होंने भी साइकिल खरीद लिया. अरे गजब. ये जो मतलब लंबी कहानी है, छोटा सर. सर अगर आप जैसे कभी आप अचानक से चले गए ब्रेड लेने चले, हाँ तो लोग थोड़ा सा वो पहले समझते नहीं, पहले तो मानते ही नहीं है कि ऐसा कोई आ सकता. उसके बाद मेरे पास आके अच्छा अच्छा आप तो, मैंने कहा जब तक वो करते हैं मैं निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी पीछे पीछे आके कभी कभार जो है मछली का बैग एक हाथ में है और फिर एक सेल्फी देना पड़ता है. ये सब होता रहता है, ये सब होता रहता है. सर आपने लंदन में कई सारे वहाँ पे रोल किए, वहाँ की कई डॉक्यूमेंट्री किए और वहाँ पे आप रहे भी, फिल्म भी की है मैंने. जी जी फिल्म भी वहाँ की थी. और हिंदी के अलावा कई सारे लैंग्वेजेस में भी आपने कई सारे रोल किए हैं बॉलीवुड के अलावा. जी कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, छह छह लैंग्वेज आपको आती है मुझे पता है. मुझे चार लैंग्वेज फ्लुएंटली मतलब मैनेज कर लेता हूँ, असमिया बंगाली हिंदी और अंग्रेजी. right. और बाकी कुछ है कि डायलेक्ट, जैसे मैंने परीक्षा बोल के एक मैंने फिल्म किया, परीक्षा नाम है उसका. वो झारखंड में स्थित है और प्रकाश झा जी डायरेक्ट किए हैं वो परीक्षा. जी फाइव में है और बहुत बढ़िया बेहतरीन फिल्म है जिसमें मैंने कंप्लीट मूवी पूरा, हाँ और जिसमें मैंने मेन रोल किया. अच्छा. तो प्रकाश झा जी जब आए मेरे पास, मैंने कहा यार ये तो रिक्शा वाला का रोल है. अच्छा. और वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बात करना है. तो मैंने कहा कि मैं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाएंगे. तो मैं एक हफ्ता पहले वहाँ पहुंचा, सुना और फिर मैं करने लगा. प्रकाश जी ने बोला अरे अब तो बढ़िया कर रहे हो. मैंने कहा ठीक. प्रकाश जी ने कहा कि मैं भी यहाँ से हूँ, मैं बताऊंगा आपको अगर नहीं हो रहा है तो. अच्छा ओके. तो मैंने कहा ठीक है फिर आपके ऊपर भरोसा करके चलते हैं. तो फिल्म आ गई, चल गई, बहुत बढ़िया चली. वहीं रिलीज हुई, मतलब वेब का ही फिल्म था. अच्छा. Z5 में रिलीज हुई और वो दो महीने पूरे जितने सारे प्लेटफॉर्म है उससे सबसे चलने वाली फिल्म थी. अब देख लीजिएगा तो पक्का पक्का मैं देखूंगा. मैं तो G5 में परीक्षा व्यूअर्स से भी बोलूंगा कि G5 पे जाए और वहाँ पे परीक्षा सर्च करें. बहुत अच्छी फिल्म है और फिर वो और रियल आप झारखंड में पहुंचोगे. हाँ और वो सत्य घटना पर आधारित आजकल तो डिमांड में है ना अजय साहब की, मतलब सत्य घटनाओं पे आधारित स्टोरी होती है, लोग अपने आप को उसी में देखते हैं कि अच्छा ये मेरा ही हो रहा है, मेरे संसार की बातें हो रही है यहाँ पे.